तो ये जो कन्फ्यूज स्टूडेंट होते हैं ना, वे इंडिया टीम के जो होते हैं आपके शार्दुल ठाकुर, रिद्धिमान साहा, वाशिंगटन सुंदर, उस टाइप के होते हैं, वे हमेशा बाहर ही रहते हैं, एग्जाम में उनका आने का चांसेस एकदम जीरो होना है। तो आपको बनना क्या है, कन्फ्यूज स्टूडेंट से आपको बन जाना है वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, यॉर्कर स्पेशली। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, नोटबुक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बिहार एसआई का आज हम लोग बात करेंगे 2213 पोस्ट का, जो जिसका एग्जाम एकदम आपको अब मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम नज़दीक आ चुका है। 2 से 2.5 महीने के अंदर में अब आपका एग्जाम है, अगर सब कुछ ठीक रहता है थर्ड वेव, तो आपका एग्जाम एकदम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि अब रिजल्ट का बारी शुरू हो गया है, 64 हो गया है और 2446 पोस्ट का रिजल्ट दरोगा का क्लियर हो चुका है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जाम को क्रैक करते हैं। इसमें तीन तरह के, आप देखिए हर एक एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली तीन प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? तो उसी का बात करेंगे, और वही जो है वो किस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं और किस प्रकार वो एग्जाम को निकालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इसको मैं आपके इंडियन क्रिकेट टीम जो है उनके प्लेयर, उससे मैं कोरिलेट करके चलूंगा ताकि आप अच्छे से समझ। फर्स्ट स्टूडेंट जो होते हैं वे होते हैं कन्फ्यूज स्टूडेंट। कन्फ्यूज स्टूडेंट का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग क्रिकेट टीम में हो तो चयन समिति जो होता है वह भी कन्फ्यूज में रहते कि किस प्लेयर को हम अपने जो प्लेइंग 11 है उसमें शामिल करें। जैसे शार्दुल ठाकुर हो गए, आपके वाशिंगटन सुंदर, तो देखिए ये लोग हार्दिक पांड्या नहीं, कुणाल पांड्या, वे लोग जो होते हैं ना थोड़ा अंदर बाहर होते रहते, तो ये कन्फ्यूज में रहते हैं कौन, चयन समिति। उसी प्रकार यहाँ कन्फ्यूज स्टूडेंट का मतलब वैसे स्टूडेंट हो जाते हैं, होता है क्या है कि बिहार दरोगा का फॉर्म निकला, अब ये कन्फ्यूज स्टूडेंट कौन है, होता क्या है जब बिहार दरोगा का फॉर्म निकला है तो वो देखा देखी में, अच्छा मेरा दोस्त जो है ना दरोगा का फॉर्म भर रहा है, चलो हम भी भर देते हैं, चलो हम भी बैठ के देखते हैं कि एग्जाम कैसा होता है, कितना क्वेश्चन आता है, कुछ पता नहीं है, जीरो है, लेकिन वो सिर्फ भीड़ बनाने के लिए मतलब शामिल होते हैं। जो आप पता चलता है कि 5 लाख 6 लाख दरोगा का फॉर्म निकला है तो पढ़ने वाले की संख्या कम होती है, एक्सपेरिमेंट करने वाला का ज़्यादा होता है। 6 लाख में आप एकदम मान के चलिएगा कि 50% स्टूडेंट सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बैठते हैं कि अच्छा एग्जाम कैसा होता है, अच्छा 100 नंबर में क्या हम 30 नंबर ले आएंगे, बस वो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो ये होते हैं कन्फ्यूज स्टूडेंट, जिनको कुछ नहीं पता रहता है, सिर्फ वे बैठ जाते हैं, और हर एक एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? लाइक मैंने बताया चयन समिति जो है वे पूरे कन्फ्यूज रहते हैं कि किसको शामिल करें यार, कौन किसको करें जो थोड़ा सा मैच में जाके 11 नंबर भी उतरे तो थोड़ा मैच में थोड़ा सा जिता सके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। प्रिपेयर्ड स्टूडेंट का मतलब हो गया ये अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, जैसे और ये थोड़े से कन्फ्यूज भी रहते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए कुलदीप यादव अपने फील्ड के माहिर है, ठीक है, बॉलर है, चहल बॉलर है, स्पिन कराते हैं, ठीक है, अपने फील्ड का, लेकिन आप इनसे ये पूरे उम्मीद करके नहीं जा सकते हैं कि ये पूरे मतलब मैच को आपको जिता देंगे। तो ये प्रिपेयर्ड भी स्टूडेंट अपने फील्ड के माहिर रहेंगे, यानी अगर ये क्या होता है कभी कभी ये इंग्लिश के माहिर है, इंग्लिश इनका बहुत अच्छा है तो इनका रीजनिंग खराब है, इनका अगर रीजनिंग अच्छा है तो जीके खराब है। होता क्यों है ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए मतलब फॉर्म भर देते हैं, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं और आप सोचिएगा कि हम बिहार दरोगा को हम इसको मतलब हम क्लियर कर ले, तो नहीं हो सकता। एसएससी में देखिए इंग्लिश भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा, जीके भी पूछेगा, जीएस भी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, तो वहाँ आपका चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैथ इंग्लिश रीजनिंग में आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीके में कम। और बिहार दरोगा में क्या चाहिए आपको, जीके जीएस बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर। तो ये फुल प्रिपेयर्ड तो रहते हैं लेकिन फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं रहते, जिसके चलते ये स्टूडेंट जो होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि ये थोड़े से लेजीपन में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा कोरोना का समय है, अभी तो एग्जाम होने होगा नहीं, 2-3 महीना तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आयोग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं होगा, कुछ किसान आंदोलन हो रहा है तो नहीं होगा, इंडिया डिस्टर्ब है, ये थोड़ा सा लेजीपन है और इनका दूर दृष्टि रहता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो होता क्या, इसके चलते जब अचानक पता चलता है कि 1 महीने के अंदर में 25 दिन के अंदर में आ गया है डेट एग्जाम का, तो अब ये हड़बड़ा जाते हैं, पूरा नर्वस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, और आनंद फानंद में खाली प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, जिसके चलते
होता है क्या, इन स्टूडेंट का जो होता है अब 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर के लिए हर बार एग्जाम छूट जाता है। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ कंफ्यूज और प्रिपेयर्ड से नहीं, आपको वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट में आ जाना है, फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार है। महेंद्र सिंह धोनी बन जाना, विराट कोहली बन जाना, बुमराह बन जाना, 6 बॉल यॉर्कर मारेंगे, युवराज सिंह बनना है, 6 बॉल में 6 छक्का मारेंगे, मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी बनना है कि अगर आए हैं तो जिता के जाना है, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स वे हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार हो रहते हैं। अगर पता चला कि 15 दिन बाद भी अगर एग्जाम है तो ये पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये पूरी तरह से जीके जीएस को कंप्लीट किए रहते हैं, सिर्फ सेट प्रैक्टिस नहीं, पूरा सिलेबस को कंप्लीट किए रहते हैं, पूरी तरह से करंट अफेयर पे डेली अपडेट रहते हैं, इनका डेली नोट्स बनता है करंट अफेयर का, और रिवीजन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम का डेट आएगा तब हम, तो ये स्टूडेंट ही वैसे तो, और ये स्टूडेंट की संख्या जो होता है बहुत कम होता है, 1% के आसपास होते हैं, और यही स्टूडेंट जो है ना बिहार दरोगा का जो आपका पीटी जो आपका फिजिकल हुआ जो क्वालिफाई नहीं कर गए, ये स्टूडेंट वहाँ रहते हैं। अब देखिएगा जितने भी पीटी और मेंस क्वालिफाई मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मेंस क्वालिफाई करके जो पीटी तक गए और वहाँ नहीं बन पाया, किसी कारण से मेरिट नहीं बन पाया, तो वे स्टूडेंट फिर शामिल होंगे और फिर 2213 में उनका स्थान आएगा और उसमें से फिर ये सिलेक्ट होकर बिहार दरोगा को पूरी तरह से क्रैक करेंगे। तो आपको यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आने के लिए आपको यही स्ट्रेटजी होना है कि थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ते रहना है, कोरोना हो या कोई अन्य कारण हो उसका, थोड़ा भी घर में शादी ब्याह माहौल है, जा रहे हैं, ठीक है घर में शादी है, तो आपको रेगुलर रहना है, 2 घंटा 3 घंटा आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, कुछ नहीं है तो आपको 4 घंटा तो हमेशा देना है, प्रैक्टिस अच्छा करना है, जीके जीएस को अच्छा, और करंट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दरोगा के एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन आपका है, तो करंट को भी आपको एकदम बढ़िया से लेके चलना और फुली प्रिपेयर रहते हैं। कल भी एग्जाम होगा, हमेशा ये मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, 75 नंबर 80 नंबर टॉप पे रहते हैं, तो आपको यहाँ पहुँचना है ना कि ये दोनों में रहना है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनका चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था, आई होप वीडियो को पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं ल्यूसेंट नोटबुक स्टडी टेलीग्राम से तो वहाँ जुड़िए, मैं रोज़ होमवर्क सीरीज देता हूँ ल्यूसेंट का और वहाँ क्यूज़ भी कराता हूँ, ठीक है, तो वहाँ जुड़िएगा आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव मैं लेके आऊँगा, तो जय हिंद, टेक केयर और मास्क का उपयोग कीजिए, जय हिंद दोस्तों।